स्वामी जी, दो प्रश्न हैं। जैसे अभी खुलासा ग्रंथ में पढ़ने को मिला कि जो सुंदर सात सच्चे हृदय से शरीयत की राह पर चलेंगे तो उनके जीव को सातवीं बहिष्ट में मुक्ति मिलेगी, तो महाप्रलय तक उन सुंदर सातों के जीव कहाँ पर रहेंगे? जो भी जीव जागृत होगा वो श्री जी के चरणों में ही जाएगा, चाहे जीव सृष्टि हो, ईश्वरीय सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो। तो उनको जागृत माना जाएगा स्वामी जी, केवल शरीयत की राह पर चलने पर? भाव तो रखा है ना, सेवा पूजा करेंगे तो अंगना बनकर ही तो जीव बेचारा रात्रि की आरती उतार रहा है, भोग कर रहा है, तो यही त्याग भावना उसको अखंड मुक्ति दिला देगी। अच्छा अच्छा, दूसरा प्रश्न है स्वामी जी, जैसे श्री जी के साथ कई सुंदर साथ चले थे तो रामनगर में कई सुंदर सातों का धाम गमन हो गया था, तो उन सुंदर सातों ने तो परम धाम की चार किताबों का ज्ञान पाया नहीं था, तो उनका जो आत्म थी उन्होंने दूसरा तर्न धारण किया या उनको उसी वक्त जागृत कर दिया गया? जिसको तारतम वाणी पर विश्वास हो जाता है, अटूट विश्वास होते हैं, कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। जिसको इतना पता चल जाए कि मूल मिलावे में राज्य हैं और पाँच मिनट भी राज समा जप करता है, मूल मिलावे वाले स्वरूप पर अटूट विश्वास है, भले ही उसके अंदर कितनी बुराई है, यह विश्वास ही उसको पुनर्जन्म से के बंधन से मुक्त कर देगा, उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। जो श्री जी के साथ सुंदर साथ थे, भले ही उन्होंने खिलवत परिक्रमा नहीं पढ़ी थी तो क्या, चितवनी सबको करनी पड़ती थी। जब बिहारी जी गद्दी पर बैठे थे, श्री जी नौतनपुरी में थे, तब भी तहाँ चितवनी धाम की करत है सबको, सब सुंदर साथ को श्री जी ने उसी समय चितवनी करा दी, और जो श्री जी के चरणों में एक पल के लिए भी आ गया उसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति होनी अनिवार्य है। इसलिए चिंता न कीजिए। हाँ, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में डूबने का सुख कुछ विशेष होता है, किंतु जिन्होंने राज्य से प्रेम किया, राज्य उनको सुख अपनी कृपा के दृश्य अवश्य दिए। एक प्रश्न है, चितवनी के माध्यम से धनी जी का साक्षात्कार होता है किंतु चितवनी में बैठने की इच्छा नहीं होती, इसकी क्या वजह है? देखिए, महात्मा गांधी के पास एक कागज होता था, जितनी आवश्यकता होती उतने ही कागज का प्रयोग करते हैं। लेखक ने इतनी लिखने के लिए चार पृष्ठ का बर्बाद किया है, फाड़ने से भी जिसको आलस्य लगता है वो चितवनी क्या करेगा? मनुष्य जब तमोगुण से ग्रसित हो जाता है, तमोगुण का लक्षण क्या है? प्रमाद आलस्य निद्रावे तत् निमग्नात् कौन्तेय। प्रमाद आलस्य और गहरी निद्रा तमोगुण के लक्षण है। जब मनुष्य तमोगुण का अधीन होता है तो भक्ति भाव से रहित हो जाता है। आपके पास आलस्य आने का कारण है तमोगुण। आप अपने आहार को सात्विक बनाइए, जब तमोगुण दूर हो जाएगा, सात्विक भावना आएगी, तो आप चितवनी के लिए तड़पेंगे। आपको कहा जाए कि 10 करोड़ लीजिए, 100 अरब ले लीजिए, सारी पृथ्वी का राज ले लो, चितवनी न करोगे आप ठुकरा देंगे, क्योंकि आपको रहा ही नहीं जाएगा। रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने दा है, अभी आपको इसलिए आलस्य लग रहा है कि तमोगुण है, आपका आहार तामसिकपन है, आपकी निद्रा में तमोगुण की मात्रा है, और जब तमोगुण ग्रस लेता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। रजोगुण में कर्म की प्रवृत्ति होती है, सत्वगुण में क्या होता है? तत्र सत्वम निर्मलत्वम प्रकाशत्वम अनाक्यान सुख संगेन च निमग्नाथ ज्ञान संगेन च अनक। इसलिए पहले सात्विक बनिए, जब त्रिगुणातीत प्रेम में आएंगे तो त्रिगुणातीत अवस्था हो जाएगी। इसलिए अपने आहार की शुद्धि पहली प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं आपके आहार में तमोगुण का आहार हो रहा है, जिससे आप में आलस की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस आलस को हटा देंगे, जब आपको चितवनी का रस मिल जाएगा तो कोई भी मना करेगा, आप
उसके बिना नहीं रह पाएंगे। कति सौ बरस रहो साथ में धनी अनुभव सुबेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंधेर का क्या आस है। कति सौ बरस रहो साथ में, सुंदर साथ कहते हैं ना कि हम तीन पीढ़ी से प्रणामी हैं, उनके लिए बात कही गई है। कति सौ बरस रहो साथ में, आपकी इतनी लंबी उम्र हो कि सुंदर साथ की जमात में सौ साल आप रहो, और आप ये भी बताएं कि हमें राज्य का अनुभव होता है, सपने में राज्य आते हैं, किंतु आपके अंदर राज्य के प्रति प्रेम नहीं है, मूल अंकुर परम धाम का संबंध नहीं है, आपने अपने जीव को आत्मा के भाव में नहीं भावित किया, आप जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में डूबे नहीं, राज्य की दया नहीं है, कृपा नहीं है, ले कर्मे डाले अंधेर, तो कर्मों के बंधन में आपको रहना पड़ेगा। जैसे आप ज़्यादा शक्कर खाएंगे डायबिटीज होगा, गुस्सा करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप झगड़ा करेंगे मारपीट करेंगे तो आपको कोई मारपीट देगा, कर्म के बंधन तो आपके साथ लगेंगे। लेकिन यदि आपने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, राज्य के प्रेम में डूबे रहेंगे, तो कोई भी कर्म का बंधन आपको परेशान नहीं कर सकेगा, आप कर्मों से परे हो जाएंगे। त्रिगुणातीत अवस्था में जो रहता है उसको कर्मों का बंधन नहीं लगता है। ले कर्मे डाले अंधेर, अंधेर का तात्पर्य क्या है, जन्म मरण का चक्र बना रहेगा। किंतु यदि आपने राज्य पर अटूट विश्वास लिया, अटूट प्रेम लिया, समर्पण किया, तो कर्मों के बंधन से आप रहित हो जाएंगे। केवल सुंदर साथ की जमात में शामिल होकर आप यदि प्रेम से रहित हैं, समर्पण से रहित हैं, विश्वास से रहित हैं, तो आपका कुछ भी लाभ नहीं होगा, कर्मों के बंधन आपको भी लगते रहेंगे। एक मैंने घटना सुनी है कि परमहंस महाराज से रामरतन दास जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में बाघ बाघिन आए, उनके चरणों में लेट गए, फिर चले गए। कोई सुंदर साथ था, महाराज जी से उसने पूछा कि महाराज जी ये दोनों बाघ बाघिन क्या आपके चरणों में आकर प्रणाम करके चले गए। उन्होंने कहा कि भाई ये पूर्व जन्म के सुंदर साथ थे, छिप छिप कर दोनों मांस खाया करते थे, और इसी पाप से इनको बाघ बाघिन की योनि मिल गई है, उनके जीव को मुझे पहचान तो लिया, लेकिन अब आकर के प्रणाम किया, अगला जन्म इनका मनुष्य का मिलेगा, तब इनका कल्याण होगा। ये बात मेरी आंखों के सामने तो नहीं है हुई है, लेकिन महाराज जी के शिष्यों से सुना है कि हमारे साथ ये अनुभव है। जो भी हो, सच्चाई तो ये घटना कह रही है कि यदि सुंदर साथ बनकर भी जो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको कर्मों का बंधन अवश्य लगेगा।